मनमोहन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हम किस प्रकार एक CCTV कैमरा को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपने घर के टीवी से। बिना किसी DVR के हम इस CCTV कैमरा को कनेक्ट करेंगे टीवी से और हम देख पाएंगे कि इस कैमरा के सामने क्या हो रहा है, वो भी अपने लिविंग रूम में बैठे हुए इस टीवी की स्क्रीन पर। इसको हम यूज कर पाएंगे अपने घर में डोरबेल कैमरा के रूप में। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए देखते हैं किस प्रकार हम इस कैमरा को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे अपने घर के टीवी से। दोस्तों, इस प्रयोग में हमें आवश्यकता रहेगी एक CCTV कैमरा की। हम नया CCTV परचेस कर सकते हैं या अगर पुराना CCTV कैमरा हमारे पास अवेलेबल है तो हम वो यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पुराना CCTV कैमरा यूज कर रहा हूँ। हमें आवश्यकता रहेगी एक वीडियो कनेक्टर की। ये वीडियो कनेक्टर जो है CD प्लेयर की केबल्स में अवेलेबल होता है। आप किसी से भी एक कनेक्टर को निकाल लें, किसी भी केबल से काम बन जाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा आवश्यकता रहेगी हमें एक अडेप्टर की, 12 वोल्ट के अडेप्टर की। ये DC अडेप्टर पावर देगा एक CCTV कैमरा को ताकि ये पावर ऑन हो सके और इसके थ्रू हम इससे जनरेटेड वीडियो सिग्नल को टीवी में इंसर्ट करेंगे। और टीवी में कहाँ इंसर्ट करेंगे, आइए टीवी में बताता हूँ। दोस्तों, किसी भी टीवी के बैक पैनल पर अगर हम नज़र डालते हैं तो इस प्रकार के कनेक्टर हमें दिखाई देते हैं। इसमें जो येलो वाले कनेक्टर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम वीडियो सिग्नल इंसर्ट करते हैं। हम DVD प्लेयर यहीं पर कनेक्ट करते हैं, सेट टॉप बॉक्स भी यहीं कनेक्ट करते हैं और कैमरा भी यहीं कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस कैमरे में जो ये 3 वायर्स बाहर आ रहे हैं, इसमें मैं बता देता हूँ आपको, येलो जो है पॉजिटिव सप्लाई का वायर है, जो ग्रीन है वो नेगेटिव सप्लाई का वायर है और जो ब्लू है वो है वीडियो आउट के लिए। वीडियो आउट के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो केबल है वीडियो की, वीडियो इन केबल, इस केबल में से 2 वायर आते हैं, तो इन 2 वायर्स में से प्लस वायर जो कि इस कनेक्टर के सेंटर पार्ट से आता है और जो ये ब्लैक वायर है वो यहाँ से साइड में जो आपको लग रहा है ये कनेक्टर, इससे आता है। तो इस तरह से ये 2 वायर्स जो है इन 2 टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं। तो अब हम इसके इन 2 वायर्स में से, हमें पता है कि ये वीडियो आउट का है तो ये रेड वाला वायर जो है ये हम वीडियो आउट से कनेक्ट कर देते हैं और ये जो ब्लैक वायर है इसे हम ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड मतलब हम इसे नेगेटिव सप्लाई में कनेक्ट कर देंगे। नेगेटिव सप्लाई का वायर यहाँ पर ये ग्रीन था कैमरा का, कैमरा को ग्रीन हम यहाँ से देंगे तो यहाँ पे वीडियो सिग्नल को भी हम ग्राउंड यहीं से दे देंगे। दोस्तों, अब हम इस पावर सप्लाई का यूज करके पावर सप्लाई में से आने वाली पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स को, नेगेटिव सप्लाई को हम कनेक्ट कर देंगे कैमरा की प्लस और माइनस से। इसके सेंटर पार्ट में जो है पॉजिटिव सप्लाई आती है और बाहर की तरफ नेगेटिव सप्लाई आती है, तो पॉजिटिव सप्लाई जो कि ये येलो है, इस येलो को हम इसमें सेंटर में कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से और ये दोनों सप्लाई कनेक्ट करके हम जोड़ेंगे यहां से बाहर से इस तरह से। आइए इस कनेक्शन को थोड़ा परमानेंट करके, थोड़ा टेप लगा के, थोड़ा वायर का एक्सटेंशन करके टीवी के ऊपर प्रैक्टिकल देखते हैं। दोस्तों, हमने पूरा ये सिस्टम सेटअप कर दिया है और ये हमारा CCTV कैमरा है। कैमरा के कनेक्शन मैं आपको फिर से बता देता हूं। यहाँ पर हमारा ये अडेप्टर से आने वाली सप्लाई है, ये हमारा अडेप्टर से कनेक्ट कर रखे हैं हमने ये 2 तार जो कि ऑरेंज वाला प्लस है और व्हाइट वाला माइनस सप्लाई को लेके आ रहा है और मैंने इस कैमरा में कनेक्ट कर दिया है। कैमरा का पॉजिटिव सप्लाई का वायर है येलो, जिसमें हमने ऑरेंज वायर अडेप्टर से आने वाला कनेक्ट कर दिया है और ये जो व्हाइट वाला केबल आ रहा है यहाँ से ये है नेगेटिव सप्लाई हमने इसका जो ग्रीन है वो नेगेटिव सप्लाई का टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर दिया है और इसका जो ब्लू है कैमरे से आने वाला जो ब्लू वायर है ये वायर है हमारा वीडियो सिग्नल का जो कि मैंने इस ब्राउन वायर से कनेक्ट किया है। ये ब्राउन वायर जो है टीवी के पीछे जो ऑडियो के वीडियो है वीडियो में जा रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा टीवी में जो ये
रेड वाला केबल लग रहा है, इस केबल से हमने कनेक्ट कर रखा है इस वायर को। और इस तरह से पूरा सेटअप कंप्लीट है। और अब मैं आपको टीवी ऑन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब मैं इनपुट बटन दबाकर यहाँ पे इनपुट सेलेक्ट करूँगा जो कि ऑडियो वीडियो वन है। हमने जो कैमरा कनेक्ट किया है AV1 में कनेक्ट किया है। और इसको ओके करने पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो भी व्यू कैमरा के सामने है वो आपको टीवी पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम एक CCTV कैमरा को डायरेक्टली टीवी से कनेक्ट करके हम इसे एक डोरबेल कैमरा के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जानना चाहूँगा आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ डू लाइक डू शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।